तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो नए हैं जो पुराने हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी हर वीडियो को पूरा देखा करो। और बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ मैं अपने गांव जाने वाला हूँ, उत्तराखंड जाने वाला हूँ, तो 10-15 दिन के लिए जाने वाला हूँ, तो मैं पूरा दिखाऊंगा तुम्हें, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जाने से आने तक पूरा दिखाऊंगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और वीडियो को पूरा देखा करो। ये है इसका डब्बा और एक बार अंदर चल के इसको खोल के देखते हैं कि मतलब इसमें क्या है। पूरी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें इसकी, पूरी ढंग से बढ़िया से, और कैसे यूज करते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे चलता है वो मैं पूरा बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा। सुबह सुबह 7 बजे उठना ना किसी चैलेंज से कम नहीं है मेरे लिए। और आजकल मैं उठाऊँ जल्दी, और फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 7:15 मेरा। खैर सुबह जल्दी उठाऊँ या लेट उठाऊँ, पर उठ के एक गिलास पानी जरूर पियो। क्या होता है, हमारा जो पेट है ना वो बिल्कुल साफ रहता है। तो मेरे तो बहुत साल पहले से आदत बनी हुई है, उठते ही एक गिलास पानी पीना ही पीना है। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता था, अब तो आदत बन चुकी है, तो मतलब पानी चाहिए चाहिए उठते हैं। खैर मैं 3-4 दिनों से आदत बना रहा हूँ सुबह उठने की, ताकि मैं सुबह उठूँ और सुबह उठ के पार्क जा सकूँ। तो आदत तो मैं 7 बजे उठने की बना रहा हूँ, क्योंकि देखो 9 बजे उठने वाला बंदा अगर 7 बजे उठता है ना तो बहुत बड़ी बात है। इस टाइम ना धूप तो बहुत हो जाती है, पर एक फायदा ये रहता है कि पूरा पार्क ना खाली होता है, मतलब बहुत शांति होती है। उठ रहा है, चल रहा है पार्क, मम्मी बोल रही है। पता नहीं, बहुत बार ऐसी होता है कि रात को सुबह जाने की, जैसे अभी भाई सो रहे हैं, रात को बोलता जाना है पर सुबह बोलता है नहीं जाना। ऐसी पहले मेरे साथ भी होता था, धीरे धीरे आदत बनानी पड़ती है। देख लो 8 बजे भी लोग अभी पार्क में हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं। मतलब थोड़ी देर बाद ये लोग भी चले जाएंगे और फिर मैं रनिंग स्टार्ट करूँगा। ट्रैक खाली हो जाता है ना तो खत्म भाई। रनिंग तो मैंने कर ली भाई, गर्मी सुबह उठाया तब चलता, अब क्या फ़ायदा करने का। सुबह जब मैंने उठाया तब तो उठा नहीं ना, अब कर रहा है घर में एक्सरसाइज, अब कोई फ़ायदा नहीं है भाई, 5 मिनट करके क्या ही उखाड़ लोगे। हाँ बस ये है कि कुछ ना करने से 5 मिनट करना ही सही है। फिर से दवाइयाँ चल रही है, दवाइयाँ खत्म होने का नाम नहीं देती। अभी खाने से पहले दवाई खानी है, फिर खाने के बाद दवाई खानी है, दवाई दवाई खानी है। सुबह उठ के पार्क जाके एक्सरसाइज करने का ना मज़ा ही अलग है। हाँ पर वो बात अलग है कि दिन में आँखें ऐसे ना हो, अगर दिन में आंखें ऐसी होगी तो मज़ा नहीं रहता सुबह उठने का। पर मैं अभी दिन में कोशिश कर रहा हूँ ना सोऊं ना सोऊं ना सोऊं, पर फिर भी आधा घंटा नींद आ ही जाती है भाई। आजा आजा, क्या कह रही है? आइसक्रीम तबीयत सही होगी? हाँ। नहीं फिर भी नहीं मिलेगी, चलो घर। चिल्ला रही है, अभी नहीं अभी नहीं, मेरे पे पैसे नहीं है ना, मैं पैसे नहीं लाया। तुमने सुसु कर दी? नहीं, बोल रही थी। क्या बोल रही थी मैडम? सीट से उठे, अच्छा तो फिर अच्छा पिटाई कर दूंगा। तू उठी सीट से? नहीं, जाए नहीं करेगी। मेरे को लग रहा है तूने सुसु कर दिया यार, गीली गीली हो रही है। अब तो अंदर चल, अम्मा तेरी पिटाई करेगी। चल चल, पूरी सुसु कर रखी है ना तूने, चल जल्दी। इतने वो टॉयलेट कर दिया, तो भाई उसके बाद से तो मैं बाहर गया नहीं कहीं, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना, मतलब हवा का कुछ नामो निशान नहीं है। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, हमारे पास काफी दिन पहले एक चीज आई थी, हमने ऑर्डर करके मंगाई थी, और उसका हमने अभी तक यूटिलाइज किया नहीं अभी तक अच्छी तरह से। तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे मैं रनिंग वगैरह करता हूँ या कोई जिम वगैरह करते ना उसके लिए बहुत सही चीज है। तो ये है इसका डब्बा, और एक बार अंदर चल के इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है, कैसे चलता है। तो पूरी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें इसकी, और कैसे यूज करते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे चलता है वो मैं पूरा बताऊंगा। तो ये जो है इसका डब्बा है, और ये है मसाज गन, डॉक्टर फिजियो मसाज गन। तो ये इसका डब्बा बाहर से कुछ ऐसे दिखता है, तो अब इसको खोलते हैं एक बार, और ये खुलेगा यहाँ से ऐसे, और ये है इसमें, ये जो होती है इसमें ये गन होती है, ये इसके 6 वो होते हैं जिसका हम यूज़ करके इसको चलाते हैं, उन्हें कहते हैं हेड, मसाज हेड। तो ये जो होते हैं 6 ये मसाज हेड्स होते हैं, और ये होती है जो, ये होती है हमारी मसाज गन। तो अब इसको जो है बढ़िया से मैं तुम्हें चला के दिखाता हूँ कैसे चलाते हैं, कैसे ये चलता है, कैसे इसमें जो बॉल्स हैं, ये जो बॉल्स हैं लगती हैं, और कैसे चलता है, तो मैं पूरा दिखाता हूँ अभी। अब मैं चला के दिखाता हूँ कैसे चलती है। मतलब इसके ना काफ़ी सारे वो हैं, देखो आगे लगाने वाले, मतलब यूज़ करने वाले अलग अलग टाइप के हैं। एक ये है, एक ये है बॉल्स, ये ऐसे मेकअप भी कर सकते हैं, और एक ये है, ये अलग अलग चीज़ अलग अलग जगह के लिए है, ये छोटा वाला उसी का। इसको अभी हम यहाँ लगाते हैं, इसके बाद इसको चलाते हैं, ऐसे लगाना पड़ता है इसमें, अभी तक यूज़ किया नहीं इसका ज़्यादा, तो इसलिए इतना अच्छी तरह से पता नहीं है इसका। पर चल गई ना, घूम रही है ऐसे करके, मसल के लिए होती है ना, जैसे रनिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद अपनी मसल्स को रिलीव करने के लिए। इसका मैनुअल है, इसका मैनुअल में मैंने अभी देखा, ये जो होती है ये होती है वेस्ट के लिए और बिग मसल्स के लिए,
कौन वाली है जो ये है, ये होती है आर्थ्रोसिस एंड डीप मसल ग्रुप के लिए, पता नहीं इसका मुझे कुछ पता नहीं है। बिग बॉल हेड है जो ये वाली जो हमने यूज़ करी है अभी, ये होती है मेनली यूज़ फॉर बिग एंड स्मॉल मसल्स ग्रुप। और ये वाली है जो, ये होती है मेनली फॉर थाइस एंड आर्म्स के लिए। ये वाली है जो स्मॉल फ्लैट, मेनली यूज़ फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, स्मॉल फ्लैट पार्ट्स के लिए होती है और हर पार्ट के लिए यूज हो सकती है वाली। तो ये अभी मैनुअल में से मैंने पढ़ के देखा है, तो एक बार इसको यूज करते हैं, इसको थाई का नाम आर्म्स, तो थाई पे लगाते हैं एक बार। मतलब बड़ा ही सही मजा आ रहा है यार, मतलब मसल्स को ना काफी रिलीफ मिला। अगर मैं सुबह जैसे रनिंग करने जाता हूँ उसके बाद आके करूंगा ना, मजा आ जाएगा। अब एक बार इसको यूज करके देखते हैं कैसे चलती है। अगर मेरे डोले होते ना तो ज्यादा इस पे फर्क पड़ता। अलावा हम ये आला चेक करते हैं एक बार, ठीक है। ये हर बॉडी पार्ट के लिए यूज होता है बेसिकली, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। और एक बार ये जो कोन वाला है इसको चेक कर लेते हैं, लास्ट बचा ये है, इसको भी हम यहाँ, मतलब काफी सही है। सबसे सही एक तो ये है, ये वाला जो है, ये चार है ना जो, ये सही है। इसका तो मेरे को इतना कुछ ज्यादा खास फर्क पता नहीं लग नहीं रहा। तो इसको करते बंद। तो ये जो बेसिकली पांच है, एक ये वाला छोटी बॉल, ये बड़ी बॉल, ये आर्क वाला और ये इस शेप में, और ये जो है फ्लैट वाला, ये मतलब पांच जो है ये काफी सही है। और ये जैसे हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया था तो ये वारंटी कार्ड है, फिर मैंने लिखा गेट 6 मंथ वारंटी फ्री फॉर फ्लिपकार्ट कस्टमर्स। और मतलब काफी सही चीज है, मजा आ गया मेरे को तो। बाकी जितने आई थी उस दिन मैंने यूज करी थी और मैं आज के दिन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है, पार्क से आओ फिर काम वगैरह करो, फिर ऐसे ना दिन निकल जाता है। इसका जो वेट है ना वो भी काफी सही है, मतलब ना इतना ज्यादा लाइट है कि गिरते ही टूट जाए, और ना इतना ज्यादा हैवी है कि मतलब पकड़ते पकड़ते ही हालत खराब हो जाए, हाथ दर्द हो जाए पकड़ते ही। अभी तो समाज जो है बहुत होगी एक्सरसाइज और पसीने आ गए बहुत ज्यादा। इसको रख देते हैं हम अपनी जगह पे जाए रहता है। तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम अंदर नहीं जा सकते, नहीं पाँव दब गया यार, पाँव दब गया यार, उंगली से दरवाजे से पाँव दब गया भाई, पाँव दब गया, ये उंगली दब गई, फू करो जल्दी, चलो हो गया हो गया हो गया, बाय बाय। खैर ये थी अपनी डॉक्टर फिजियो की अनबॉक्सिंग। तो मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जिसको भी डॉक्टर फिजियो की नीड है उसको ये वीडियो शेयर करना। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।